इंदिरा जी जैसी हस्ती जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, शहीद हुई, उनके बारे में मोदी जी कहते कि वो देशद्रोही थी जिसने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया। उन पे ये आरोप लगाते हैं कि चीन को इन्होंने जमीन दे दी, जबकि खुद आंख मूंदे हुए हैं और चीन आ गया है हमारे देश के अंदर, सैकड़ों किलोमीटर जमीन का कब्जा कर लिया है। राजीव गांधी जी के बारे में कहते हैं कि देशद्रोही थे कि अपनी मां की विरासत को लेने के लिए कानून बदल दिया ताकि टैक्स न देने पड़े। उनको कौन समझाएगा कि विरासत में हमें धन दौलत नहीं मिली, विरासत में आपका प्रेम मिला, जनता का आदर मिला, इस देश के लिए शहीद होने का जज्बा मिला। मां शहीद हुई, बेटा खड़ा हो गया देश सेवा के लिए, बेटा शहीद हुआ, उसकी विधवा खड़ी हो गई, आज उसका बेटा आपके पास आया है। आज ये लोग कहते हैं शहादत के नाम पे वोट मांग रहे हैं, हम शहादत के नाम पे कुछ मांगने नहीं आए हैं, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा करेंगे। एक को मार डालो दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मार डालो तीसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरे को मार डालो चौथा खड़ा हो जाएगा। हमें कुछ भी कर लो, सेवा करने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।